बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने छापेमारी कर 7.5 लाख के जाली नोटों के साथ 9 तस्करों को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी। मोतीपुर के रतनपुरा में पुलिस ने छापेमारी कर 1 लाख के जाली नोटों के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने छापेमारी कर मोतिहारी और सीतामढ़ी से 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। 6.5 लाख नकली नोट बरामद किए। कुल 9 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। सिटी SP राजेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 7.5 लाख के जाली इंडियन करेंसी और 50,000 इंडियन करेंसी असली के साथ स्कॉर्पियो सवार 9 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इन सभी से पूछताछ में जाली नोटों की तस्करी में शामिल और कई तस्करों के नाम व ठिकाने का पता चला है, जिस पर पुलिस की विशेष टीम विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर रही है। छापेमारी का नेतृत्व खुद ASP पश्चिमी सैयद इमरान मसूद कर रहे हैं। सिटी SP राजेश कुमार ने बताया कि जाली नोटों का बड़ा रैकेट है, कई जिलों में इसका जाल फैला हुआ है। मुजफ्फरपुर जिला क्षेत्र में नकली नोटों का प्रचलन की बात प्रकाश में आने लगी थी। छोटे नोट, खास करके 100 के नोट बाजार में आ रहे थे। इसकी सूचना इक्के दुक्के पुलिस को मिल रही थी। इस सूचना के आधार पर वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इंटेलिजेंस कलेक्शन हेतु एक टीम का गठन किया गया। ये टीम इस पे लगभग 1 सप्ताह से काम कर रही थी। इसी क्रम में कल 1 तारीख को एक सूचना मिली कि एक लग्जरी गाड़ी से मोतिहारी जिला से कुछ लोग नकली नोट लेकर के मुजफ्फरपुर जिला में प्रवेश करने वाले हैं। इस सूचना के आलोक में पुलिस वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ASP वेस्ट इमरान मसूद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम में मोतीपुर थाना अध्यक्ष एवं वहां के अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी सम्मिलित थे। उन लोगों ने चेकिंग लगा करके उस गाड़ी को पकड़ा। स्कॉर्पियो गाड़ी था। तलाशी के दौरान उस गाड़ी से नकली नोट बरामदगी हुई और उससे पूछताछ के पश्चात इस नेटवर्क में शामिल अन्य कुल मिलाकर के 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और नकली नोट जो बरामद हुए हैं वो कुल 7,50,000 के हैं और साथ में 50,000 रुपये का असली नोट भी बरामद हुआ है। यह नोट गायघाट के एक व्यक्ति के पास से बरामद हुआ, जो कि डिलीवरी लेने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए थे। मुजफ्फरपुर से मौशाहिद रजा की रिपोर्ट। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।